Hello friends, welcome back to my channel Make Her Style File. आज का रेसिपी है पोटैटो चिप्स। इसके लिए मीडियम या बिग साइज के पोटैटोज को अच्छे से वॉश करके पील ऑफ करके रखेंगे और एक बर्तन में पानी लेंगे और उसमें एक टीस्पून फिटकारी या अलम डाल देंगे। अब एक स्लाइसर की मदद से थिन स्लाइसेस बनाएंगे आलू के और तुरंत ही उनको फिटकारी की पानी में डाल देंगे ताकि वो काले ना पड़ जाए और उनमें जो स्टार्च रहता है वो निकल जाए। अब इन स्लाइसेस को 20 से 30 मिनट तक इसी पानी में छोड़ देते हैं ताकि सारे स्टार्च जो है वो निकल जाए। 30 मिनट के बाद स्लाइसेस कुछ ऐसे लग रहे हैं, पानी का रंग बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम इनको स्ट्रेन करेंगे। अब इन स्लाइसेस को फिर से अच्छे से पानी में धो लेंगे। आलू में जो स्टार्च रहता है उसको हम अच्छे से ही निकाल पाते तो हमारा चिप्स जो है क्रिस्पी बनते हैं, इसीलिए हम दोबारा इनको वॉश कर रहे हैं। अब हम इनको स्ट्रेन करेंगे। अब स्लाइसेस कुछ ऐसे लग रहे हैं, हम इनको सुखा देंगे एक कॉटन के कपड़े के ऊपर। 5-10 मिनट के लिए हम इनको एक कॉटन के कपड़े के ऊपर ऐसे बिछा देंगे ताकि जो एक्सेस पानी है वो चला जाए। तब तक हमारा तेल भी गर्म हो जाएगा। तो अब तेल गरम हो चुका है, अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करते वक्त हम फ्लेम को मीडियम या लो पे ही रखेंगे ताकि वो क्रिस्पी बन जाए। जल्दी जल्दी में ब्राउन हो जाते हैं तो वो क्रिस्पी नहीं बनते, बाद में वो सॉफ्ट बन जाते हैं। तो हमारा क्रिस्पी पोटैटो चिप्स रेडी है बनके। हम इनको प्लेन भी खा सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, या नहीं तो चाहते हो तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बन चुके हैं, आप आवाज सुन सकते हो। तो आपको मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।